नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पाइए हमारे सभी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियोज़ डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड्स यानी प्लास्टिक मनी। दोस्तों, आज इंडिया के लगभग 80% लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जो भी वर्किंग गाइज हैं, क्योंकि जो लोग घरों में रहते हैं या काम नहीं करते हैं उन्हें क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है बैंक कंडीशंस के कारण। लेकिन यदि आप फिर भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, बिल्कुल, यदि आप जॉब नहीं करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं, आपका अपना कोई वर्क नहीं है और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए बैंक की तरफ से कुछ सिंपल कंडीशंस होती हैं, यदि आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप भी ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक से, जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप HDFC से करना चाहते हैं, एक्सिस बैंक से करना चाहते हैं, ICICI बैंक से करना चाहते हैं, यदि आप गवर्नमेंट बैंक के साथ में जाना चाहते हैं लाइक SBI से करना चाहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा से अप्लाई करना चाहते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी बैंक से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जिस क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो क्रेडिट कार्ड है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स में यदि हम देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड में कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स हैं। एज लाइक क्रेडिट कार्ड यदि आप अप्लाई करते हैं अपना कंपनी के लिए, आप अप्लाई करते हैं जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इसके अलावा इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना सैलरी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अपने बिजनेस की ITR जो एनुअली आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप ना तो बिजनेस करते हैं, ना जॉब करते हैं, ना ही आप अपना कोई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, तो इस केस में आप जो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं वो दो क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। वन एड ऑन क्रेडिट कार्ड यदि आपको कोई फैमिली मेंबर है जो जॉब करता है, बिजनेस करता है, जिनका ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, वो यदि चाहे तो आपके लिए एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा सकता है। और यदि आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं इंडिविजुअल यूजर, अपना सेल्फ क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं जो डायरेक्टली आपके नाम पर होगा, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सिक्योर्ड ऑप्शन। बिल्कुल, यहाँ पर बैंक आपको एक ऑप्शन और भी देता है कि यदि आप पर्टिकुलर एक अमाउंट की, यदि आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 25,000 रुपये बैंक को देते हैं और उस 25,000 रुपये के आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, FD कराते हैं, तो आप FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सेम फीचर, सेम बेनिफिट रहेंगे आपके क्रेडिट कार्ड में। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होगा जिसे हम इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड में सेम आपको वही फीचर, वही बेनिफिट मिलते हैं जो बाकी क्रेडिट कार्ड्स में मिलेंगे। मैं एक इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड यूजर हूं, मैं सैलरीड हूं, मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है बैंक की तरफ से, बैंक ने मुझे लिमिट दी हुई है 25,000 रुपये की। मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, क्रेडिट कार्ड से मैं शॉपिंग करता हूं, परचेजिंग करता हूं, ऑनलाइन पेमेंट्स करता हूं, कैश विड्रॉ कर सकता हूं, इसके अलावा यदि मुझे और कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूं क्रेडिट कार्ड से। सेम फीचर बेनिफिट आपको मिलेंगे इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड में। आपने जितने अमाउंट की FD कराई है उसका लगभग 80% बैंक आपको देता है एज अ क्रेडिट लिमिट। दोस्तों, क्रेडिट लिमिट क्या होती है, क्रेडिट लिमिट के बारे में जानने के लिए मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो यहां पर अपलोड करूंगा, जो आप बाद में व्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारा वीडियो। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से कहूंगा कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर हमारे जो अपडेटेड वीडियोज हैं वो मिलते रहें डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की। इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड जो होता है, सेम फीचर सेम बेनिफिट बैंक आपको प्रोवाइड करता है क्रेडिट कार्ड में। इस क्रेडिट कार्ड को भी आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, इंस्टेंट यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपने कहीं भी कुछ भी शॉपिंग परचेजिंग की है, पेमेंट करना चाहते हैं, स्वाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेज किया है, EMI पर आप अमाउंट कराना चाहते हैं डायरेक्टली आप बैंक कस्टमर केयर में कॉल करके, और यदि आप मर्चेंट यूज कर रहे हैं Amazon, Flipkart, Snapdeal या ऑनलाइन अदर किसी कंपनी से आप परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्टली जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको ऑप्शन शो करता है कि यदि आप अमाउंट को EMI में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप वो अमाउंट EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको दो बेनिफिट होते हैं। नंबर वन कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड आ जाता है किसी भी बैंक का, आप क्रेडिट कार्ड यूजर हो जाते हैं, आप कार्ड टू कार्ड बेस पर दूसरे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो बेनिफिट आपको होता है वो होता है दोस्तों आपके फिक्स डिपॉजिट का, जो भी अमाउंट आपने फिक्स डिपॉजिट में अपना सेव किया है, जो भी अमाउंट आपने FD कराया है, वो अमाउंट आपका कंप्लीटली सिक्योर रहता है। दोस्तों, यहां पर आपको बैंक अपने FD के अगेंस्ट भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और आप इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं, तो यहां पर आपको डबल बेनिफिट हो रहा है।
इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल नियरेस्ट किसी भी बैंक ब्रांच में जाइए, जो भी बैंक आप अपना समझते हैं कि आपको उस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल यदि अभी हम देखें तो इंडिया में लगभग हर तीसरे शख्स के पास में आपको HDFC और SBI का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पर है हमारा ICICI बैंक, तीसरे नंबर पर है हमारा एक्सिस बैंक। तो इन में से किसी भी बैंक ब्रांच में आप जाकर वहाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट का FD कराइए, उस FD के अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, जो आपका फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट होगा, इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड होगा, सिक्योर क्रेडिट कार्ड होगा, अपना क्रेडिट कार्ड आप यूज कीजिए। और दोस्तों यदि आप एक थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हैं फिक्स डिपॉजिट का, मैं समझता हूँ कि यदि आप 50,000 रुपये की FD कराते हैं तो आपको FD पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है और क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट भी अच्छी आ जाती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कार्ड टू कार्ड बेस पर यदि हम अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ सभी बैंकों की एक जो मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसमें लिमिट जो होनी चाहिए वो लगभग 30,000 रुपये होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लगभग 40,000 रुपये लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो यदि 2,000-4,000 रुपये की आपने कोई शॉपिंग भी कर ली और आप चाहते हैं किसी दूसरे बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। यदि आप जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, आप अपना कोई हाउस वाइफ हैं, कोई हाउस व्यू हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी क्रेडिट कार्ड के लिए, तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो अभी आप नियरेस्ट किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर वहां से फिक्स डिपॉजिट कराइए एक पर्टिकुलर अमाउंट का, और अप्लाई कर सकते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए। तो यदि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी आपकी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो दोस्तों नीचे आप या तो आप कमेंट में लिख दीजिए, या डायरेक्टली आप जो है हमारा ईमेल आईडी है financeguruji@gmail.com, आप वहां पर भी मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का डायरेक्टली आपको आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंस गुरुजी।